शादी के बाद भी पति धर्मेंद्र से अलग क्यों रहती है हेमा मालिनी? ड्रीम गर्ल ने अब किया चौंकाने वाला खुलासा, जानकर आप भी रह जाएंगे दंग। वेल, बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और धर्मेंद्र पाजी की लव स्टोरी तो हर किसी को पता है। कपल की शादी को लगभग 43 इयर्स हो चुके हैं और लोगों को एक बात अब तक खटकती है कि आखिर ये कपल एक दूसरे से अलग क्यों रहते हैं। और अब हाल ही में हेमा मालिनी ने इस पर से पर्दा उठाया है। उन्होंने बताया है कि आखिर दोनों क्यों अलग रहते हैं। दरअसल लहरे रेट्रो को दिए गए इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बड़ा खुलासा किया। हेमा मालिनी से जब सवाल किया गया, वो आज के समय में फेमिनिस्ट आइकॉन है जो खुद के अलग घर में रहती हैं। हेमा मालिनी ने सवाल का जवाब देते हुए कहा, फेमिनिज्म सिंपल, कोई भी इस तरह से बनना नहीं चाहता है, बस ये तो खुद हो जाता है। इस तरह की जिंदगी कोई नहीं चाहता है, सबको अपने परिवार और बच्चों के साथ रहना पसंद है। कौन भला अपने परिवार से दूर रहकर खुश होता है। हर औरत को पति, बच्चे और एक सामान्य जीवन चाहिए होता है, लेकिन कुछ कारण से मैंने इन चीजों को अलग किया। हेमा मालिनी ने बच्चों और पति से दूर रहने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है, मैंने अपने दोनों बच्चों को पाला। धर्मेंद्र मेरे साथ हर जगह पर थे, वो उनमें से भी थे जिन्हें बच्चों की शादी की चिंता थी। मैं हमेशा उनसे कहती थी कि सब हो जाएगा। वह हेमा मालिनी का ये बयान अब खूब वायरल हो रहा है। हाल ही में धर्मेंद्र पाजी के पोते और सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी में हेमा मालिनी का परिवार शामिल नहीं हुआ, जिस पर खूब चर्चा हुई। खैर, आप हेमा मालिनी के इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे, नीचे कॉमेंट करके बताएं। और देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।